हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज है तीज, वेडनेसडे। तो तीज पर मैं इस तरीके से तैयार हुई, आप देखिएगा। कैसी लग रही हूँ मैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने सबने प्रोग्राम बनाया है तीज के फेस्टिवल के लिए। कुछ हमने इसकी प्रिपरेशन भी की है, कुछ डांस परफॉर्मेंस भी होने वाली है और सबकी ड्रेस का भी पता चलने वाला, किसने क्या पहना है, और ड्रेस का भी फैशन शो होने वाला है। कुछ गेम्स होंगी, तो इस तरीके का प्रोग्राम होने वाला है तीज का। हम लोग सभी सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं, उन्होंने रखा हुआ है। तो चलिएगा, मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सारे वेट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ, मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो आइएगा प्लीज कम, मैं वैसे भी लेट हो चुकी हूँ, आइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग में साथ बने रहिएगा। और आज क्योंकि तीज है, वेडनेसडे है, तो फ्रेंड्स के साथ तीज बनाना तो बनते ही है। और वैसे भी तीज का फेस्टिवल हम फीमेल के लिए होता है, हम हरे कपड़े पहनते हैं, हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, फुल मेकअप करते हैं, और सबसे मेन थिंग है झूला झूलते हैं। तो मैं अपनी दोस्त कम दीदी से आपको मिलवाती हूँ, और चलिए आइए उनके यहाँ। तो चलिए, एक फ्रेंड और मिली है मुझे, और मैं उनके साथ भी तीज का सेलिब्रेशन कर रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड्स। अच्छा लगता है इस तरीके से हम सारे फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। ये प्यार के प्रतीक होते हैं जितने भी फेस्टिवल होते हैं, तो सबको मिलजुल कर सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि ये खुशियों के त्यौहार होते हैं। तो अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स, आपको दिखाना चाहूँगी, ये सोसाइटी का पार्क है हमारा, और यहीं पे हम ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम बनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और अच्छा लगता है हम सभी को यहाँ पर। आप देखिएगा, बहुत खूबसूरत पार्क को किया हुआ है, अच्छे से मैनेज किया हुआ, क्योंकि सोसाइटी है, हम लोग सभी मिलकर इसको मेंटेन करवाते हैं, गार्ड से, गार्डनर भी है यहाँ पर। फ्रेंड्स, तीज का फेस्टिवल हो और झूला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं इस पार्क में आई हूँ अपने दोस्त के साथ में, तो यहाँ पर झूले हैं, तो झूला तो बनता ही है तीज के टाइम में। तो सावन का महीना है और तीज का फेस्टिवल हो और झूला ना हो, तो अधूरा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने भी झूला झूला है, और कई सारे हमने रील्स बनाई हैं, सॉन्ग्स में हमने डांस भी किया है यहाँ पर। तो ये सोसाइटी का पार्क है और यहाँ पर झूले इस तरीके से लगे हैं। वैसे तो बच्चे झूलते हैं, लेकिन आज तीज है तो हमारा तो बनता ही है झूलना, तो मज़ा ही आ गया, रियली बता रही हूँ, फीलिंग्स आ गई। पहले टाइम में क्या हुआ करता था, लड़कियाँ मई की आया करती थी, कई कई महीने रहती थी, और तीज पर सब झूला झूलते थे, साथ में मिलते थे, खुशियों का त्यौहार मनाते थे। लेकिन अब ये सब रौनक तो रही नहीं, आप सबको पता है, चीज़ें कम होती जा रही हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, और हम टेक्नोलॉजी पर पहुंच रहे हैं, हम अपनी पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। खुशियां मिलती थी एक दूसरे के साथ में, वो सब खत्म होता जा रहा है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हों, तो प्लीज़ ज़रूर बताएँ कमेंट करके। तो अब वो सब नहीं दिखती रौनक, जगह जगह आप देखेंगे सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो फ्रेंड्स, अजीब लगता है, मुझे तो बहुत अजीब लगता है। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, मैं रियली बता रही हूँ, बहुत टायर्ड हो गई हूँ, थक गई हूँ। आज पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया है, देखा आपने कितनी परफॉर्मेंस की है, हमने थक गए, लेकिन आज का तीज का फेस्टिवल बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपना ब्लॉग खत्म कर रही हूँ, तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।